हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नया लाता ही रहता हूँ। तो आज जो है ना, है तो आपको देखने में लग रहा होगा रेडियस है और चैम्फर है 5x5 का और रेडियस भी 5x5 का है, लेकिन इसमें आज मैं नया क्या बताने वाला हूँ आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए। इसमें नया ये है कि इसको ना हम लोग डायरेक्ट रेडियस यूज करेंगे, इसमें कहीं पे हम लोग G02 या G03 का यूज नहीं करेंगे। और दूसरा कि आप कहीं पे कोऑर्डिनेट्स नहीं, जैसे पहले क्या हो रहा था, 5 का रेडियस है, हम लोग ये देखते थे कि भाई यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, तो ये हम लोग उस रेडियस बनाने के लिए इसको आप जोड़ते और घटाते थे, ध्यान है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो जैसे आपने CNC टर्निंग में देखा ना डायरेक्ट रेडियस, वैसे ही ये BMC में भी हम लोग लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं मैं बताता हूँ कि अगर ये 22x22 का बनाना है और आप ये मान के चलिए कि ये चारों तरफ थोड़ा थोड़ा मटेरियल है, दो दो तीन तीन MM मान लिया जाए, तो कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल है यहाँ पे, क्योंकि ये साइड मिलिंग हम लोग कर रहे हैं ना, तो साइड मिलिंग में साइड में थोड़ा मटेरियल तो रहेगा ना, तभी आप इसका साइड मिलिंग कर रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल का जो रोल है ना, सिर्फ ये है कि हम लोग जब सेफ्टी डिस्टेंस वगैरह लेंगे तो हमें उस मटेरियल का ध्यान देना है। हम लोग मान लेते हैं पर साइड 2 mm मटेरियल है, तो ये पर साइड जो मटेरियल है ये 2 है या 3 है, कुछ भी ऐसा मान लें। तो ये डायरेक्ट रेडियस बनाना है और विथ कंपनसेशन बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल है, आप देखें। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि डायरेक्ट रेडियस लगाना है या चैम्फर लगाना है, तो चैम्फर में कंडीशंस है कि ये 5x5 भी होनी चाहिए या 7x7 या 10x10, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 7 mm है और यहां से ये 6 mm है, ऐसा है तो डायरेक्ट नहीं लगेगा। ये XY में दोनों में 5 5 या 10 10 या जो भी हो, वॉट एवर, उन्हें मैटर नहीं करता कि क्या है, बट इक्वल होना चाहिए ये कंडीशन से। तो इसमें हम लोग सिर्फ एक कामा लगा देते हैं। देखिए, जैसे इसका प्रोग्राम अगर हम बनाए ना, और सपोज करिए कि ये 10 mm में बनाना है, ये जो रेडियस है, अगर इसका हम लोग व्यू देखें तो ये 10 mm डेप्थ में हमें बनाना है। इसका मेन प्रोग्राम और सब प्रोग्राम कैसा बनेगा ये आप समझें। तो मेन प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे कोई भी एक प्रोग्राम नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया O0027, उसके बाद यहाँ पे N1 है ना, G0 G90। आप यहाँ पे रेफरेंस पे भी भेज सकते हैं मशीन को, ये तो सीधा मैं T01 लिख दिया, M06 है ना, और G0 G90 G54 X-Y0। अब मान ले मैं इन्हें इस सेंटर से ही यहाँ है ना, तो कटर को मैं इस साइड से लेके आना चाह रहा हूँ ऐसा, और कटर कितने का है हमने 10 mm मान लिया। यहाँ पे जो कटर का डायामीटर है ना ये, तो कटर डायामीटर जो है ये मान लिया हमने 10 mm। तो अब एक्स वाई में तो सेंटर में यहां से लेंगे और फिर ऐसे घूम के आएंगे, तो यहां पे तो हमने रख लिया Y0। एक्स क्या होगा अगर हम लोग देखें, तो अगर ये 2 2 mm भी है मटेरियल ना, तो 2 2 4 इधर भी हो गया, तो अगर यहां से देखें तो 11 12 13 हो गया, और सेफ्टी डिस्टेंस भी अगर हम लोग 2 mm मान लें तो 13 और 2 15 हो गया, और कटर का रेडियस या डाया जोड़ दे तो 15 और 10 25 हो गया ऐसा। ये मैंने आपको पहले भी बताया है ये X-25 कैसे ले लिया, कि हम लोग यहाँ पे ये XY की वैल्यू जो है वो मटेरियल, सेफ्टी डिस्टेंस, और उसमें हम लोग कटर का डायामीटर जोड़ देते हैं। तो अगर आप यहां से देखें तो ये 11 और 2 13 और 2
तो यहां से ये 15 हो गया और कटर का डाया जोड़ दें 10, तो ये हो जाता है 25। तो हमने यहां पे 25 रख लिए, ठीक है। एंड अब लॉन्ग, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं G43H01D01Z100। यहां पे S कुछ ऐसा मैंने ले लिया 1200 M03। एंड अब लॉन्ग G0Z2 पे हमने पोजीशन कर लिया और कूलेंट ऑन कर लिया। यहां तक तो दोस्तों समझिए कि ये नॉर्मल प्रोग्राम है। यहां पे मैं G01Z0 पे खड़ा कर लिया, फिर कुछ 200 लिख दिया, उसके बाद यहां पे M98P0028, ये सब प्रोग्राम नंबर है और उसको कितनी बार आपको रीड कराना है L5 बार। आप 5 ले लें, 10 ले लें, जितने टाइम्स आपको रीड कराना है आप उतना। मैंने L10 डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे G0 G40 G90 Z100 M09 M01, ठीक है ना। तो अब यहां तक तो आप लगभग कोई भी सब प्रोग्राम बना के करेंगे ना तो ये ऑलमोस्ट कॉमन रहता है। सिर्फ ये वैल्यू जो है ना ये चेंज होती है। अब अगर हम लोग इसका सब प्रोग्राम बनाए तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है। तो सब प्रोग्राम मान लीजिए मैं यहाँ पे ओ, यहां हम लोगों ने 0028 लिया है, तो सब प्रोग्राम हमारा 28 नंबर का रहेगा। इसमें हम लोग पहली लाइन क्या लिखेंगे, G01 G91 Z-1 Feed 200। ये इंक्रीमेंटल में दोस्तों हम लोगों ने टूल Z0 पे था वो अब 1 mm नीचे आ जाएगा। अब यहां पे नीचे आने के बाद हम लोग एक तो 91 को कैंसिल करेंगे और वो कैंसिल करने के बाद अब देखना है कि हम लोग कंपनसेशन क्या लेंगे, G41 या G42। तो दोस्तों अगर आप इधर से घुमाना है तो 42 लेंगे, इधर से घुमाना है तो 41 लेंगे। तो अगर हम लोग यहां से आगे ऊपर की तरफ से चलना है तो ये लेफ्ट साइड में हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा 41 आ जाएगा और x माइनस में 25 है ना, आप 10 mm घटा दीजिए तो ये 15 आ गया। ये कंपनसेट हो जाएगा। डी ऑफसेट में आपने कटर की रेडियस या डायामीटर मेंशन करना पड़ेगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है कि अब ये लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा, हमें सिर्फ ये लिखना है G01 X माइनस। अब ये देखना है कि यहां से वैल्यू क्या है, अगर ये 22 है तो ये एक्स माइनस 11 है, एक्स माइनस 11 पे आ गए, टूल यहां टच हो जाएगा। और फिर यहां से अब दोस्तों वो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। अब क्या होता है कि अगर हम लोग ये 11 mm है तो 5 नीचे रुकते, तो 11 में से आप 5 घटा दे तो कहीं 6 हम लोग यहां पे G01 X6 लिखते, फिर G02 वगैरह। लेकिन अब अगर चूंकि हम लोग क्या समझने वाले हैं, डायरेक्ट रेडियस, तो डायरेक्ट रेडियस में आपको सिंपल आपको ये y की वैल्यू डाल देनी है। y क्या है यहाँ पे 11, तो आप यहाँ पे डाल देंगे y 11। और इम्पोर्टेंट जो है वो बस ये है कि आपको ना यहाँ पे कामा लगा देना है ऐसा, और कामा लगा के आप r जितने की भी है, जैसे ड्राइंग में मैंने 5 लिखा है, तो कलाकारी जो है सिर्फ यही है कि आपको यहां का डिस्टेंस दे देना है और R5 लिख देना है जितने की रेडियस है। एंड ऑफ ब्लॉक, तो यहां पे कामा लगा के लिखना है। तो दोस्तों अब इसमें होगा क्या कि अब ये R5 तो बनाने के लिए रेडी है, बट वो R5 यहां से इधर बनाना है या यहां से इधर जाना है, ये डिपेंड करेगा अगला ब्लॉक क्या आप देने वाले हैं। अगर आप यहां समझिए कि ये -11 है, मैं -25 या 30 कुछ करूं तो ये माइनस की तरफ ये रेडियस बना के चला जाएगा। और आपको अगर इस तरफ जाना है
तो आप इधर की डायरेक्शन दे दें G01X में, तो अब ये X प्लस में लिखेंगे तो इधर आ जाएगा। अब ऐसे ही हमें यहां भी रेडियस बनानी है, तो यहां पे X की वैल्यू क्या है 11, तो आप यहां पे भी X 11 लिख दीजिए कॉमा, एंड ना ब्लॉक नहीं है ये कॉमा है, और उसके बाद फिर आप यहां पे R5 लिख दीजिए, अब एंड ना ब्लॉक हो गया। तो अब ये रेडियस लग गया, अब ये रेडियस कब लगेगा, ये लिखने के बाद भी मशीन ना इसके नीचे वाले ब्लॉक को रीड करेगी, समझ रहे। तो नीचे वाला ब्लॉक आपको क्या करना है, अब यहां से इधर को टर्न करना है रेडियस को, तो आप लिख दीजिए G01 वाई माइनस में, अब माइनस में भी आपको ये 11 आना है, 22 है तो वाई माइनस भी 11 11.0 कॉमा, और अब यहां पे अगर R लिखेंगे तो रेडियस बना देगा, और अगर C लिखते हैं ना तो ये चैम्फर बना देगा 45 डिग्री पे, 5 5 है ना ऐसा। फिर ऐसे ही आपको यहां आना है, तो फिर से G01 X माइनस 11, थोड़ा सुंदर बनना चाहिए ना, एक्स माइनस 11 यहां पे माइनस 11 है, सेम आपको कॉमा लगाना है और फिर C5 लिख देना है। तो अब ये बनेगा, अगर आपका डायरेक्शन ऊपर को है तो आप यहां पे G01 Y0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। तो अब ये टूल यहां आ गया, अब चूंकि इसको कई टाइम्स रीड कराना है हम लोग फिर से पुरानी वैल्यू पे आ जाएंगे और कंपनसेशन को कैंसिल कर देंगे, तो G0 G40 X माइनस 25, तो ये दोबारा अपने यहीं पे आ गया जहां पे स्टार्ट हुआ था, और यहां पे लिख देंगे M99। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है, आप समझ भी गए होंगे, और बस कंडीशंस ये है कि आपको यहाँ पे कॉमा लगा के जितने की रेडियस है आप लिख दीजिए, और ये बड़ा अच्छा बन जाता है, आप ट्राई करके देखिए, और जहाँ कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, मैं इसको आपको समझा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो छोटी है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप इसको देखें समझें लाभ उठाएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, और कुछ और नया कुछ चाहिए तो आप मुझे सुझाव दें, मैं उसको और अच्छा करूँगा। धन्यवाद।